नमस्कार दोस्तों, अगर आपको जॉइंट पेन की समस्या है, जोड़ों में दर्द की समस्या है, गठिया की समस्या है, पोस्टिव अर्थराइटिस हो या फिर अर्थराइटिस हो, आपके जो मसल्स पेन की शिकायत हो, आपको मोच वगैरह आ गई हो, गर्दन में दर्द रहता हो या सारे जोड़ों में दर्द रहता हो, या फिर आपको बुखार आया हो, बुखार तो ठीक हो गया हो, उसके बाद जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो गया हो, तो दोस्तों आज एक ऐसी मेडिसिन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसके इस्तेमाल से आपकी जो परेशानी है पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन ज्यूमर के और सिरप के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे इसके यूजेस के बारे में, इसके कंपोजिशन और इसके डोजेस के बारे में, और भी किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। बताना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों ड्यूमर के बाद सिरप होता है, देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। अगर बात करें इसके साइज़ के बारे में तो लगभग 4 साइज़ में मार्केट में मिल जाता है। दोस्तों जो इसका सबसे छोटा साइज़ आता है वो 60 ml, उसके बाद 115 ml, फिर 200 ml, और जो इसका सबसे बड़ा साइज़ आता है वो 450 ml का आता है। दोस्तों अगर बात करें इसके MRP के बारे में तो दोस्तों जो इसका 115 ml वाला साइज़ आता है जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ, उस पर जो MRP आती है वो 120 रुपये आती है। अगर बात करें इसको जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है तो होम्योपैथी में एक कंपनी आती है पुरुषोत्तम, जिसके द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। दोस्तों बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका पहला यूज है अर्थराइटिस। दोस्तों अगर किसी को अर्थराइटिस की समस्या है, गठिया की समस्या है, अर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, जो अर्थराइटिस है वह कितनी भी पुरानी क्यों ना हो या फिर नई हो, हर प्रकार के अर्थराइटिस को ठीक करने की बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो बात करें इसके अगले यूज़ के बारे में तो दोस्तों इसका अगला यूज़ है लंबागो। दोस्तों अगर किसी कमर में दर्द रहने की शिकायत है, कमर में छिनका वगैरह आ गया हो, काफ़ी लंबे समय से अगर आपके कमर में दर्द की समस्या है, बहुत इलाज कराने के बावजूद भी जो आपकी समस्या है वह ठीक नहीं हो रही हो, तो तब आप अगर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इस मेडिसिन के इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर बात करें इसके अगले यूज़ के बारे में तो दोस्तों इसका अगला यूज़ है मसल्स पेन। दोस्तों अगर किसी को मांसपेशियों का दर्द है, मांसपेशियों में खिंचाव आ गया हो, कोई हल्की फुल्की चोट लग गई हो, स्प्रेन की शिकायत हो, आपको मोच वगैरह आ गई हो, हाथ में मोच आ गई हो या फिर पैर में मोच आ गई हो, तो उसको भी ठीक करने की ये बहुत अच्छी मेडिसिन। अगर बात करें इसके अगले इसके बारे में दोस्तों, अगर किसी को बुखार आए हो जिसमें जोड़ों में दर्द रहा हो, बुखार तो ठीक हो गया हो, उसके बाद जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो गया हो, जोड़ों में दर्द इलाज कराने के बावजूद भी जो आपके जोड़ों का दर्द है वह ठीक नहीं हो रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में जो मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। दोस्तों बात करते हैं इसके अगले यूज़ के बारे में तो दोस्तों इसका अगला यूज़ है इन्फ्लेमेशन। दोस्तों अगर आपके जोड़ों में इन्फ्लेमेशन की शिकायत है, इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके जोड़ों में दर्द रहने की समस्या है, तो इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस मेडिसिन का अगला यूज़ है बॉडी एक। दोस्तों अगर आपके सारे शरीर में दर्द रहने की समस्या है, जैसे ही आप सुबह को उठते हैं तो जो आपके हाथ पैरों में दर्द रहने की समस्या होती है, जैसे जैसे आप धीरे धीरे काम करते चले जाते हैं, जैसे दिन में एक्टिविटीज़ करते चले जाते हैं, तो जो आपके जोड़ों का दर्द है वो थोड़ा कम हो जाता है, और जैसे ही आपको रात को फिर बिस्तर पर सोने जाते हैं तो आपके जो सारे शरीर में दर्द होने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इस मेडिसिन के बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये कुछ यूजेस थे जिन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन से मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों इसमें पहली मेडिसिन होती है एलियम सैटिवम। दोस्तों काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जॉइंट पेन की। अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है एपिसमेल। दोस्तों जो एपिसमेल मेडिसिन होती है, अगर आपके जोड़ों में दर्द की समस्या और खासकर उसमें इन्फ्लामेशन की शिकायत हो, जोड़ों में सूजन आ रही हो, तो जो एपिसमेल मेडिसिन है सूजन को उतारने की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है ब्राइनी एल्बा। दोस्तों अगर जो जोड़ों में दर्द हो रहा है, वह काम करते समय ज़्यादा आपके जोड़ों में दर्द होता है, जैसे ही आप हरकत करते हैं तो आपके जो जोड़ों में दर्द है वो होने लगता है, चलते फिरते आपके जो जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में ब्राइनी एल्बा काफ़ी अच्छा काम करता है। दोस्तों बात करते हैं इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है सिमिसिफूगा। दोस्तों सिमिसिफूगा मेडिसिन होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर खासकर किसी को सर्वाइकल रीजन में दर्द हो रहा हो या फिर बैकएक की समस्या हो, लंबागो की समस्या हो, कमर में दर्द रहने की समस्या हो, तो उसको ठीक करने की सिमिसिफूगा जो मेडिसिन होती है वो काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। तो बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है डाइस्कोरिया। दोस्तों डाइस्कोरिया भी जॉइंट पेन की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है प्यूटोरियम पर। दोस्तों जो प्यूटोरियम मेडिसिन है जॉइंट पेन की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, और खासकर अगर किसी को बुखार आया हो, बुखार के साथ जोड़ों में दर्द हो या फिर
तो बुखार तो ठीक हो गया हो, उसके बाद जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो गया हो, तो ऐसे जोड़ जॉइंट पेन को ठीक करने के लिए जो ट्रिटोजन मेडिसिन है वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके अगले कंपोजिशन के बारे में। तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है गुएकम। दोस्तों जो गुएकम मेडिसिन है जॉइंट पेन की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, और खास कर अगर किसी के घुटनों में दर्द की समस्या हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो, तो घुटनों के दर्द को ठीक करने की गुएकम काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है स्पाइजेलिया। दोस्तों स्पाइजेलिया भी जॉइंट पेन की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, खासकर किसी को लेफ्ट साइड में फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो, जो लेफ्ट साइड का कंधा होता है अगर उसमें दर्द की समस्या हो, या लेफ्ट साइड प्रिंसिपल मेडिसिन है, अगर लेफ्ट साइड में कहीं भी दर्द की समस्या हो, तो स्पाइजेलिया उसको ठीक करने की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर खासकर अगर जिससे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में चक्कर आ रहे हो, सर में दर्द रहता हो, तो ऐसे केस में स्पाइजेलिया काफ़ी अच्छा काम करती है। अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है रस्टॉक्स। दोस्तों जॉइंट पेन की बहुत अच्छी मेडिसिन है जो रस्टॉक्स मेडिसिन होती है। दोस्तों जो इसका लक्षण होता है, अगर किसी को जोड़ों में दर्द की समस्या हो, अगर उसको हरकत करने से दर्द में आराम मिल रहा है, जैसे वैसे लेटा हुआ था उसमें लेट हुए दर्द हो रहा है, अगर वैसे जैसे चलने लगे तो उसके जो जोड़ों का दर्द है वो कम हो जाता है, तो ऐसे जॉइंट पेन को ठीक करने की रस्टॉक्स काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है मैकफॉस। दोस्तों जो मैकफॉस मेडिसिन होती है, अगर किसी को हीट से आराम मिल जाता है, जैसे किसी को जोड़ों में दर्द हो रहा हो, मांसपेशियों का दर्द हो रहा हो, उसमें अगर आप सिकाई कर लें किसी गर्म कपड़े से या किसी भी गर्म चीज़ से अगर आप सिकाई करते हैं, तो जो आपके जोड़ों का दर्द है या मांसपेशियों का दर्द है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो ऐसे दर्द को ठीक करने की जो मैकफॉस मेडिसिन होती है वो काफ़ी अच्छा काम करती है। अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है नेटमफॉस। दोस्तों जॉइंट पेन की ये भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों ये कुछ कंपोजिशन थे जिसके द्वारा मिलकर बनी होती है। दोस्तों बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। तो दोस्तों इसकी डोज है वो 10-10 ml सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी। अगर आप में से किसी को जॉइंट पेन की समस्या हो, जोड़ों में दर्द की समस्या हो, मसल्स पेन की समस्या हो, स्प्रेन स्ट्रेन की शिकायत हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो, तो ऐसे केस में अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इस मेडिसिन के इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।